हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये सी शार्प विन फॉर्म लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे पासिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, हम एक फॉर्म से अपने दूसरे फॉर्म पर हमने डेटा को कैसे हम पास करते हैं या उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फॉर्म पर आपका कुछ डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा है, आप चाह रहे हैं कि वो हम दूसरे फॉर्म पर उसको कॉल करें, या जैसे आप किसी फॉर्म पे नेविगेट हों तो जितना भी फॉर्म वन में आपका डेटा है वो आपका फॉर्म टू पर डेटे में शो हो। ठीक है ना, फॉर्म टू के कैनवस पे शो हो, राइट। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और देखते हैं इसको कोड कैसे करते हैं हम लोग। ये विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक लेबल ले लें, एज यूजल इसका आप फॉन्ट चेंज कर दें, इसको 14 कर दें, ठीक है, और इसको इसका नेम आप कर दें पासिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, और इसको ज़रा सा ये आपने कर लिया, इसका थोड़ा सा हम ये और कर लेते हैं क्योंकि 22। ठीक है, ये आपका कुछ हेडिंग अब कुछ बेहतर नज़र आ रही है इसको, और इसको आप कर लें कस्टम दिस वन, ये तो ब्लैक ही नज़र आ रही है, इसको हम करते हैं ये। ठीक है, ये थोड़ी सी अब आपको बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इस पर टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स, और अगर आप इसको कंट्रोल करके और की प्रेस करके नीचे लाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, आपको दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली बना कर दे देगा आपको। ठीक है, अब ये क्या टेक्स्ट बॉक्स टू, ये टेक्स्ट बॉक्स वन है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप लेबल ले लें, ठीक है, फर्स्ट लेबल आप लें, इसका नाम रखते हैं आप स्टूडेंट नेम, राइट, और स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, और इनको इन सब को हम सेलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसका फॉन्ट आप कर लें दिस वन 12, ओके, राइट, और थोड़ा सा आप सेंटर में ले आए। ठीक है, अब ये दो डेटा है हमारा, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स ईमेल। फिर अब एक हम बटन बनाते हैं। ठीक है, और इसको आप कर दें, इसको भी फॉन्ट इसका चेंज करें आप दिस वन 16। ठीक है, और इसका नेम आप क्या रखें, बटन वन है तो आ जाएगा आपका, इसको क्या रखें नेम, इसका नेम रखें नेविगेट। नेविगेट टू न्यू फॉर्म, राइट। तो ये तो हमने काम कर लिया सारा, अब क्या करते हैं हम, अब हमें क्या करना है कि इनका डेटा को कैसे हमने ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर कैसे लेकर जाना है हमने, राइट। तो सबसे पहले आप इसको डबल क्लिक करें और एक वेरिएबल बना दें पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टेक्स्ट वन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक
स्ट्रिंग टेक्स्ट टू, ठीक है, ये आपने दो वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, पब्लिक है स्टैटिक है, ठीक है ना, ये हम लास्ट लेक्चर में अपने शुरू के लेक्चर में पढ़ के आएंगे पब्लिक क्या होता है स्टैटिक क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये दो हमने क्या बना दी, हमने वेरिएबल्स बना दी, अब हम क्या करते हैं इसका डेटा सेट करते हैं कि इसमें डेटा कौन सा जाना है, कौन सा कहाँ से डेटा हम लेंगे। तो इसके लिए आप ले लें इसका डेटा टेक्स्ट वन इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट टू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स टू टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो वैल्यू है इसको हमने ब्र कर दिया है इस वेरिएबल्स में, ठीक है ना, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टेक्स्ट वन, ठीक है, इसको हमने बराबर कर दिया इसके। अब हम एक फॉर्म बनाते हैं दूसरा, नॉर्मली आप एक दूसरा फॉर्म बनाएं ऐड विन फॉर्म, इसका फॉर्म टू है, विन फॉर्म है आपका, यहाँ पे सी शार्प है, ऐड करें आप और यहाँ पे दे दें आप लेबल वन, ठीक है, और ये लेबल टू आ गया आपका, इन दोनों को सिलेक्ट करें आप और इसके फाउंट थोड़ा सा चेंज कर दें आप, इसका फाउंट हम चेंज कर देते हैं 14, ओके, ठीक है, ये लेबल वन आ गया आपका, इसका कलर भी आप चेंज कर दें अगर चाहें तो, आप इसको दिस वन कर दें, ठीक है, एक बटन रखें आप, राइट, इसका भी आप ये चेंज करें, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी हम, ठीक है, और चलें इसको हम क्या कर लेते हैं, बटन वन है ना आपका, ये सिलेक्ट किया आपका बटन वन, ओके कर दें इसको आप, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अपने हमने फॉर्म एक दूसरा फॉर्म क्रिएट किया, उस पर दो लेबल रख दिया हमने, लेबल वन एंड लेबल टू, ठीक है, और फॉर्म वन पे चलते हैं हम लोग। अब हम फॉर्म टू को कॉल करते हैं, फॉर्म टू को कॉल करने के, आपको पता है फॉर्म टू क्या है, आपकी एक क्लास है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, और एफ टू डॉट शो, राइट, आपने ये शो कर दिया F2 को। अब हम फॉर्म टू पर चलते हैं और इसको डबल क्लिक करें तो ऑन लोड, फॉर्म लोड पे आपका एक मेथड कॉल हो जाएगा, जैसे ही फॉर्म लोड होगा ये हम जो कोड लिखेंगे ये कॉल हो जाएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको हम करना पड़ेगा लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉर्म टू डॉट टेक, फॉर्म टू नहीं फॉर्म वन, फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट, फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट क्या है, फॉर्म वन आप क्लास है ना, और स्टेटिक्स वेरिएबल्स को हम कैसे कैसे कॉल करते थे, क्लास नेम के साथ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि स्टेटिक वेरिएबल को हम कैसे कॉल करते थे, क्लास नेम के साथ, क्लास नेम क्या है आपकी, क्लास नेम आपका फॉर्म वन है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपके स्टेटिक वेरिएबल्स ये हैं, स्टेटिक वेरिएबल जब ये हैं इसकी हमने वैल्यू सेट कर दी है आपके टेक्स्ट बॉक्स वन के टेक्स्ट की और टेक्स्ट बॉक्स टू के टेक्स्ट की, ठीक है ना, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट वन की हमने वैल्यूज सेट कर दी है, ठीक है। अब स्टेटिक वेरिएबल्स को कॉल करने क्या है, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, राइट, तो यही काम हम इधर कर रहे हैं, क्लास वन डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है, उसके बाद लेबल टू कर दें डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट टू, ठीक है, ये दोनों काम हमने कर लिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं फॉर्म टू पर और
इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप कर दें form1.f1 इज इक्वल टू form1 दिस वन और f1.show। यहाँ से क्या चला जाएगा, ये वापस form1 पर चला जाएगा, ठीक है। न्यू है ना, ठीक है। तो form 2 पे हमने क्या किया, चलो इसको बैक टू form 1, ठीक है। वो form 1 पे बैक हो जाएगा आपका, ठीक है। चले अब form 1 को रन करते हैं, अपने फॉर्म को Ctrl F5, ठीक है। इस पे आप दे दें मोहम्मद आसिफ। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, नेविगेट टू न्यू फॉर्म। ये देखें मोहम्मद आसिफ आ गया, क्योंकि हमने पैरामीटर पास किया। अब इसको आप बैक करेंगे तो दोबारा ये form 1 पे चला जाएगा। अब ये देखें इसका कंट्रोल कहाँ आ रहा है, अब स्टूडेंट्स पे आ रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ रहा है, हमें यहाँ कंट्रोल चाहिए जैसे फॉर्म हमारा ओपन हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेंगे, अब देखिए कितने फॉर्म ओपन हो रहे हैं, फॉर्म ज़्यादा ओपन हो रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, ये देखिए कितने फॉर्म ओपन हो गए आपके। अब नेविगेट के बाद शो है ना, आप करते हैं इसको this.hide, इस फॉर्म को हाइड कर दे। और form 2 पे भी आप ले रहे हैं, इस पर शो के बाद this.hide कर दें आप, राइट। और इसके बाद form 1 पे हम क्या करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे इसके टैब इंडेक्स होते हैं, index 1, और यहाँ इसको आप index 0 करें, इसको टैब index 1 करें, इसको टैब इंडेक्स आप क्या करें 2 करें, ठीक है। अब Ctrl F5 करें आप, एरर लिस्ट क्या आ रही है आपके पास, इसमें एक्सपेक्टेड, और ये कहाँ पर है, form 2 पर और यहाँ पर, राइट। अब आप form 1 को रन करें, अब देखें अब सब क्लिक करें, देखें वो फॉर्म हाइड हो गया और ये आपके नेक्स्ट फॉर्म पर इसने नेविगेट कर दिया। अब इसको दोबारा back 1 चलें तो देखें आपका टैब कर्सर कहाँ आ गया, आपका स्टूडेंट नेम पर आ गया। तो टैब कंट्रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने प्रोग्राम में टैब कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट आपकी फील्ड को टैब 0 होना चाहिए और सेकंड को टैब 1 होना चाहिए, जिस ऑर्डर से आप इसको रखना चाहते हैं। ऑर्डर मतलब टैब के साथ आप नेविगेट हो जाएं। कोई भी आपका यूज़र टैब प्रेस करे Ctrl F5, देखें आप यहाँ से अगर आप इंटर से नहीं, आप टैब से जाएंगे, देखें टैब, ये टैब प्रेस किया तो देखें सीक्वेंस आप इसका देखें, सबसे पहले आपके स्टूडेंट नेम पर आएगा, फिर आप टैब प्रेस करेंगे ईमेल पर आएगा, फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो नेविगेट टू न्यू पर आ जाएगा आपका। तो कोशिश करें अपने प्रोजेक्ट में आप टैब कंट्रोल शुरू से ही लगा कर रखें, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली प्रोफेशनल अप्रोच होती है कि आपने अपने टैब कंट्रोल आपने अपने फॉर्म्स पे लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए, राइट। तो इसको हमने आज फॉर्म को हमने क्या किया, इसको हम देख लेते हैं दोबारा। हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए, ठीक है, दो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए, फिर और एक बटन बनाया हमने, ठीक है। और जब हम बटन पर क्लिक किया, इसका इवेंट को हमने जनरेट किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि दो वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टेक्स्ट, ठीक है, इन दोनों को हमने डिक्लेयर किया, text 1 और text 2 को। फिर हमने क्या किया, text 1 में हमने text box 1 की टेक्स्ट को गेट किया, उसको सेट कर दिया text 1 में, और text 2 में हमने text box 2 के टेक्स्ट को गेट किया और उसको सेट कर दिया text 2 में। और उसके बाद क्या किया, हमने form 2 को कॉल कर दिया। ये पता है आपको फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक क्लास होती है, राइट। फॉर्म एक क्लास होती है, ठीक है ना, जिसका आप
एक इंस्टेंस बनाया आपने और एफ डू डॉट शो और आपने इसको शो करवा दिया, ठीक है। और दिस डॉट हाइड क्या है, दिस डॉट हाइड आपने इस फॉर्म को हाइड करा दिया, ठीक है। और जैसे आप फॉर्म टू को आपने शो करवाया, यहाँ पे आपने एक लेबल रखा, एक लेबल टू रखा और एक बटन रख दिया, ठीक है। और इस फॉर्म पे आपने क्लिक किया, ऑन लोड पे आपने क्या किया, फॉर्म ऑन लोड पर लेबल वन डॉट टेक्स्ट इजिकल फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट को हमने बराबर कर दिया। अच्छा, फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट को हमने कैसे गेट किया, क्योंकि स्टेटिक वेरिएबल है और वो हमेशा क्लास के साथ गेट हो जाते हैं आपके वेरिएबल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। जैसे ही फॉर्म वन डॉट करेंगे, आपको जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं स्टेटिक, वो आपको गेट हो जाएंगे, राइट। और फॉर्म टू को हमने लेबल टू टेक्स्ट के साथ हमने वैलिड कर दिया, ठीक है। और ऑन बटन पे क्या किया, हमने ऑन बटन पे दोबारा एक फॉर्म वन की क्लास बनाई, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फॉर्म को हमने शो करवा दिया और इस फॉर्म को हमने हाइड करवा दिया। तो इससे आप क्या करेंगे, आप बैक भी चले जाएंगे अपने फॉर्म पर। अब यहाँ पे कंट्रोल F5 करें, अब यहाँ पे कुछ और लिखते हैं और ये देखें, नेविगेट टू न्यू फॉर्म आप गए, आपके पैरामीटर्स पास हुए हैं। ऑन फॉर्म लोड पे उसने उसको बराबर कर दिया टेक्स्ट बॉक्स वन और टेक्स्ट बॉक्स टू के, राइट। और यहाँ बैक बटन है आपका, आप दोबारा बैक टू फॉर्म वन पे चले जाएंगे, राइट। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, हमने देखा कि हम कैसे पैरामीटर्स पास करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।